अब सख्ती में इन्होंने कोई कसर बाकी रखी? बिल टाइम पे, स्मार्ट मीटर, तमाम तरीकों से मतलब वो तंग करते हैं, लेकिन जब हम अपने पावर हाउस की बिजली हासिल करने की उम्मीद रखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भी 40 साल, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि 40 साल, अभी तक तो 15-20 साल का होता था, ये 40 साल कहां से? ये हम नहीं होने देंगे ना, ये नहीं होगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, इलेक्शन हो जाए, हुकूमत बनेगी, राजस्थान को ये बिजली नहीं पहुंचेगी। सर बीजेपी काफी 12,000 दिया जो है घर टू घर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहूंगा ना, इनॉग्रेट हो रहा तो हो रहा, हिस्टोरिकल इनॉग्रेशन हो रही है सर। पहली इनॉग्रेशन नहीं है, आखिरी इनॉग्रेशन नहीं होगी, इससे पहले भी बहुत चीजें इनॉग्रेट हुई हैं, इसके बाद भी बहुत चीजें इनॉग्रेट होंगी। आप अगर इसमें सियासत लाना चाहेंगे तो वो आपका फैसला है, मैं तो सियासत से हट के बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मंदिर बना, मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है, मामला खत्म। पॉलिटिसाइज कौन कर रही है इसको? कोई नहीं, आप कर रहे हैं ना, मुझसे सवाल करके आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल जवाब चाहते हैं मुझसे, मैं आपको पॉलिटिकल जवाब दूंगा नहीं, इनॉग्रेशन है खत्म। कुछ नहीं ना, क्या था, 40-45 दिन लगातार हम भागते रहे, दिन में एक एक दो दो प्रोग्राम, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्करों के साथ मुलाकात, साल का एंड था, छुट्टी मनाने निकला, मनाई छुट्टी, वापस आ गया, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और क्या था? तो पॉलिटिकल जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर, क्या चेंज हुआ? पुराने लीडर्स थे वो फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, उसके हवाले से क्या बताएंगे आप? जिस लीडर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने खुद कहा कि मैं कहीं गया ही नहीं था, और जिस पार्टी को छोड़ने की बात की जा रही थी उस पार्टी ने भी कहा कि इन्होंने कभी हमें ज्वाइन नहीं किया। तो अगर उन्होंने किसी पार्टी को छोड़ा नहीं था और किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था तो फिर ये घर वापसी थी नहीं। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था, तो अगर वो कभी गए नहीं तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना नॉन मुस्लिम और मीर वाइज का दिल्ली पहुँचना और यहाँ से ये डेवलपमेंट होना, इसको जोड़ के है आपस में जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुकुमरान हैं ये आप उनसे करिए, मस्जिद की देखभाल, फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फैसला होता है। तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुकुमरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है, जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं, मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं, ये मेरे जाने से पहले भी हालात थे आज भी हैं। टेबलॉय होता है उसमें कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस साल नहीं रखा गया है जो कल्चरल इवेंट वहां पे होता है, जैसे कि ये कोई नई बात नहीं है पंजाब और इसमें ये कोई नई बात नहीं है, हर रियासत और हर यूनियन टेरिटरी को हर साल नहीं दिया जाता मौका,
इसमें मरकजी हुकूमत जो है वो चूज करती है किसको देना है और इसको नहीं देना है। अगर आपका सवाल ये है कि सिर्फ अपोजिशन स्टेट्स जो हैं उनको इससे बाहर रखा गया, तो मैं कहूँगा कि ये बदकिस्मती है, ये 26 जनवरी जो है ये बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, ये मरकजी हुकूमत का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। हाँ बेशक आप हर रियासत को हर साल मौका नहीं दे सकते हो, लेकिन सिर्फ अपोजिशन पार्टीज की हुकूमतों जो हैं उनको यहाँ से बाहर रखना, इस पर दोबारा सोचने की जरूरत है। राजस्थान को 40 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया सर, उसके हवाले से थोड़ा जानने से ये सीधा सीधा हमारे साथ लूट है, और क्या कहूँगा, प्रोजेक्ट हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी। अगर यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे बिजली हफ्ते के 7 दिन फराहम कर रहे होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। राजस्थान क्या आप तमिलनाडु और मालदीव्स तक ये बिजली पहुँचाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे लोग आज बिजली के लिए तरस रहे हैं। सख्ती में आप कोई हमारे साथ मतलब कोई रहम नहीं करते हो। जब आपको मीटर लगाने होते हैं तो आप हमारे घरों पे वो स्मार्ट मीटर जिसको आप कहते हो, जहां पहले पैसा भरना होता है फिर बिजली आए ना आए वो दूसरी बात है, वो मीटर लगाने में आप पीछे नहीं रहते हो, लेकिन बिजली आप फरहाम नहीं करते। करिए, कोई बात नहीं, असेंबली इलेक्शन हो जाए, मैं देखता हूं आप किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक तो क्यों ना हमें जाना पड़े, ये बिजली राजस्थान नहीं पहुंचेगी। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं। मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपके पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है, क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे। अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली ख़त्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज़ ख़त्म किए, अब आपने पंचायतें ख़त्म की, या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए, उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहाँ असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। उमर साहब, एक एक करके ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to Parliament at the same time. Should
a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. 26 January, sir, cultural tabloid. Regarding the seat sharing, NDA alliance in Jammu and Kashmir. क्या मैं फिर से पूछिए तो जैसे बाकी स्टेट्स में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग कर रही है पार्लियामेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में भी वो चल रहा है कुछ? अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है, बात होगी तो हम जरूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन ना कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं, मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज़्यादा लगेगा अपना फैसला करने पर। 6 सीटों में ना 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी बहुत है, हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूँगा कि जहाँ से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेज़ी लाएं। हमारे 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। उमर साहब, नेशनल पावर प्रोजेक्ट और राम जन्मभूमि इन्विटेशन मिलेगी तो उमर साहब जाएंगे? मुझे दावत आएगी? नहीं ना, नहीं आएगी। तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? अगर आई, नहीं आएगी ना, मगर मगर अगर आई, जिनको दावतनामा आना था उनको तो मिल गया ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, बाकी उनके नाम तो सबके सामने हैं, मेरा नाम कहीं है उस लिस्ट में? नहीं ना, ना इनका कोई इरादा है मुझे बुलाने का। जब इनका कोई इरादा नहीं है बुलाने का तो अगर मगर में हम क्यों पड़े? सर, रेटली पावर प्रोजेक्ट जनवरी को जो कल्चरल, सो डू यू इंटेंड टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन? इफ वन रिव्यू, इफ वन रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड, देन द केस इज बीइंग रिव्यूड, देन वी विल टेक अ व्यू वेदर वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद इट और नॉट। एज लॉन्ग एज द डिसीजन, एज लॉन्ग एज द जजमेंट इज बीइंग रिव्यूड और अ पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर इट्स रिव्यू, देन द प्रोसेस हैज स्टार्टेड। वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स देन इट्स फाइन। Please remember, even with the original challenge to 370, what they did on 5th August 2019, we were at the forefront of it. Others joined later. In fact, those parties that weren't even part of the original petition, even they came forward and argued their case. People like Muzaffar Beg Saab, who took a completely different view in the Prime Minister's all-party meeting, and then took a completely different view in the Supreme Court. So, I don't see why we have to decide now. We will take a decision going ahead, but as I said, so long as there is a party that is challenging the judgment of the Supreme Court, the process starts, then those of us who want to identify ourselves with it later. So how do you see the growing differences between the Maldives and India? And now the growing differences between Maldives and India. Maldives president now seek help from the Chinese, you know, counterpart. How do you see this relation between the Maldives and India? जहाँ तक Maldives किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है वो Maldives का अपना फैसला है, लेकिन जहाँ तक Maldives के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। जो यहाँ से मुल्क, इस मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके बारे में कहा वो गलत है। चीन के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी हों वो ठीक है, लेकिन हमारे मतलब इस मुल्क के वज़ीर आज़म या यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इंसल्ट करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छी बात है कि Maldives की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से और हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए, चाहे वो Maldives हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ये हमारे हमसाए मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे रहें। ठीक।